हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने बल आघूर्ण के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि एक होता है सर्कुलेटरी मोशन और एक होता है रोटेटरी मोशन। ओके, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली सर्कुलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन में डिफरेंस को इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये एक सर्कुलर पाथ है। ओके, ये एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार रास्ता है और यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं ये क्या है, सूरज है, सन है, ये क्या है, सन है और यहाँ पे ये अर्थ है। जब अर्थ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसके राउंड में मोशन करेगी तब उसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। एक चीज़ यहाँ से और देख लेते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से मोशन करेगी यहाँ पे आते आते, या कोई भी बाइक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरीके से मोशन करता है कि किसी भी पथ पर किसी भी रास्ते में इस तरीके से गति करता है कि वहाँ पे एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी, समान होनी चाहिए। ये समान होनी चाहिए, यहाँ से भी जो डिस्टेंस की होगी वो भी इक्वल होगी, यहाँ से ये भी इक्वल होगी, यहाँ से ये भी इक्वल होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है मोशन करते करते तो उसकी भी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल होगी। ओके, तो इस तरीके इसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। यानी वृत्ताकार गति, वृत्तीय गति। लेकिन यहां पे जो अर्थ अगर इसके अराउंड में अगर मोशन करेगी, अर्थ सूरज के चारों ओर अगर गति करती है तो उसको वृत्तीय गति बोलते हैं। लेकिन यही अर्थ जैसे कि यही अर्थ जब अपनी धुरी जो अपनी है अपनी एक्सिस के चारों तरफ जब गति करेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग रोटेटरी मोशन बोलेंगे। जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी अलग अलग जगह पे उसकी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति, दैट मीन्स सर्कुलेटरी मोशन। लेकिन अगर कोई भी वस्तु अपनी अक्ष के चारों ओर यानी अराउंड इट्स एक्सिस, दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। समझ में आया, जैसे ये दरवाजा है इस तरीके से, ये इसका पल्ला लगा हुआ है और ये इसके जो भी कब्जे हैं और यहाँ पे जब इसको हम लोग ओपन करते हैं तो ये क्या है, इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद करेंगे तो तब उसको बोलेंगे हम लोग रोटेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट इस मार्कर को मैंने लिया, इस मार्कर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये फिक्स जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिस बोलेंगे। ओके, और इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे ऐसे ऐसे तो तब इसको बोलेंगे, ये जो मोशन होगा इसका ये क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन हो जाएगा। ओके, अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ करके ये फिक्स पॉइंट इस तरीके से हमने कर दिया है और इसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं ऐसे इस तरीके से तब उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। या इसी पाथ पे इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया और यहाँ से क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमाते चले जाते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। तो ये यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे कि दरवाजे वगैरह हैं, अभी जो एग्जांपल दिया है दूसरा पॉइंट यहां पे है इक्वेशन ऑफ रोटेशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये हो गया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन।
लीनियर मोशन। अगर लीनियर मोशन है तो वहां पे इक्वेशंस क्या थे हमारे, थ्री इक्वेशंस थे। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक तो ये था। दूसरा क्या था, दूसरा यहां पे ये था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a लीनियर एक्सेलरेशन है, t टाइम है यहाँ पे, s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है एंड a एक्सेलरेशन है, v फाइनल। ये यहाँ इसी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यहाँ पे, जो पहला इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट या ओमेगा जीरो एंड प्लस, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है तो वहां पे क्या है एंगुलर, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन है तो वहां पे क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, दैट मीन्स अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा टी। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एस है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन्स थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड टी एंड प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड फाइनली लास्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड प्लस टू अल्फा थीटा। ये इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, इनका यूज करेंगे। इसके आगे देखते हैं, एक यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कोरिओलिस फोर्स, कोरिओलिस बल भी बोल सकते हैं हिंदी में एंड इंग्लिश में कोरिओलिस फोर्स। कोरिओलिस फोर्स होता क्या है, और इसका एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ जिनका नाम था जे जे कोरिओलिस, जी जी कोरिओलिस। ओके, और जी जी कोरिओलिस ने अपने जो भी क्षेत्र होंगे वहां पे उन्होंने इसको देखा होगा। होता क्या है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मैं बता दूंगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन करने के टाइम एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी फिजिकल या कोई भी वस्तु है, वो वस्तु अगर घूर्णन गति कर रही है, अगर कोई घूर्णन गति कर रही है तो गति के दौरान विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, विक्षेपण उत्पन्न होता है, तो इसी विक्षेपण के प्रभाव को कोरिओलिस बोलते हैं। ओके, तो इसी जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन दैट मीन्स डिस्टरबेंस होता है, इसी को बोलते हैं कोरिओलिस फोर्स। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं,
यहाँ पे एक्चुअली में जो एक कोरियोलिस फोर्स था, जो हवाएं चलती हैं, हवाओं में जो एक डिफरेंस होता है, जो एक डिफ्लेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। जैसे सपोज दैट ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, यहाँ पे ये क्या है, इस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, ये ऊपर का फोर्स, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। यहां पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर पवन, अगर विंड की जो डायरेक्शंस है वो ऐसी है, ये ऐसे इधर से है, ये ऐसे, ये जो भी अगर अगर एयर इस टाइप में बह रही है फ्लो, मेरी बात को ध्यान से जरा सुनना, अगर विंड इस साइड की डायरेक्शन, विंड की साइड अगर इस साइड में है, अगर विंड ऐसे इस साइड में फ्लो हो रही है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो इस साइड में चलता है उल्टा। अगर ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज होगा। उसी तरीके से इधर अगर ये क्लॉकवाइज है तो डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली है, जो डिफ्लेक्शन है, जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है, वो पोल पे सबसे ज्यादा रहता है, पोल पे सबसे ज्यादा रहता है, बोथ पोल पे, दोनों पोल पे, पोल पर सबसे ज्यादा। ओके, एंड इक्वेटर पे सबसे कम, इक्वेटर। सबसे कम, ओके, इस चीज को यहां पे ध्यान रखना। एक चीज और यहां पे ये है, कपल क्या होते हैं, कपल दैट मीन्स बलयुग्म, बलयुग्म कपल, या कपलिंग भी बोल सकते हैं, कपलिंग कर देते हैं। कपलिंग क्या होती है, मेरी बात ध्यान, इस चीज को आप जैसे देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने क्या किया, एक हाथ से जिसे फोर्स लगा करके एक नहीं खुल सकता, ये अगर हम फोर्स लगाते हैं तो नहीं खुलेगा जनरली फोर्स, तो क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट दो, एक थंब हो गया और एक फिंगर हो गई, अगर हम लोग इससे ऐसे ऐसे मूव करेंगे तभी ये खुल पाएगा, ये ऐसे मूव हुआ हुआ। तो कहने में मतलब जैसे नल वगैरह है, नल को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं, या बॉटल कोई भी है, बॉटल को कर, अगर बॉटल का अगर हमें कैप ओपन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ करके ही खोलेंगे ना। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी वस्तु में दो समान एवं विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बलों को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कपल बोलते हैं, यानी कि बलयुग्म बोलते हैं। ओके, इसका मतलब यह है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, ठीक, ये फोर्स, वही फोर्स उतना ही, वही फोर्स इतना ही, बस ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक है, इसको हम लोग ए बोल दें, ए बोल दें, या कोई भी चीज बोलते हैं, डी बोल दें। ओके जी, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे भी घुमाएंगे, कहने मतलब ये है कि दो किसी वस्तु पर लगने वाले दो समान एवं विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बलों को क्या बोलते हैं, बलयुग्म बोलते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, दो समान एवं विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बलों को बलयुग्म कहते हैं, बलयुग्म कहा जाता है।
बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण में एक आघूर्ण क्या होगा, जो भी बल है चाहे जितने भी हो, इनटू बलों के बीच की दूरी। ये दूरी कहां की है? जो दो बल हैं उन दोनों बलों के बीच की डिस्टेंस है बल इनटू दूरी। ओके, तो आज बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसी से रिलेटेड जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।